जो भी अपनी श्रद्धा भावना के नाल जहाज चढ़ाते हैं उन्होंने वीजे पक्के तौर पर लगते हैं। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आए हैं गुरुद्वारा तरन साहिब जी माथा टेकने। इसकी बहुत बढ़िया हिस्ट्री है और कई कई जगह पे इसका नाम आ चुका है, कई चैनल्स पे नाम आ चुका है, तो आप हम आपको दिखाते हैं। आ जाइए, ये है गुरुद्वारा तरन साहिब जी का लंगर हॉल। यहाँ पर ये पंजाबी में लिखा है जोड़ा घर, मतलब यहाँ पे चप्पलें वगैरह अपनी उतारते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी, अब हम अपना हेड टाई करेंगे यहाँ से, इसको रुमाल कहते हैं। बाबा निहाल सिंह जी पिंड तरन। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, इस गुर को हमारिया जिन हर की हर कथा सुनाई, इस गुर को गुर को सत बल हारना, जिन हर सेवा बणत बनाई, जिन हर सेवा बणत बनाई, प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। वैसे बाबा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा,
वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनु लै छटाई, जिथे किथे मैनु लै छटाई। ये न्यू लंगर हॉल बन रहा है अभी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वीडियो के, वो पुराना वाला लंगर हॉल था, अभी नया बन रहा है। आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। शहीद बाबा नयाल सिंह का जन्म तलन के पास वाले गांव कोहे में हुआ। उन्होंने अपनी सारी लाइफ, अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए गुजारी। मैंने आपको अभी अमृत घर भी दिखाया, जिसमें वो कुआं आपको दिखाया गया। ऐसे बाबा जी ने अनेक कुएं लगाए पंजाब में, तो मोस्टली सबको पता है, हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पे भी इसका जिक्र हो चुका है। बहुत बहुत फेमस गुरुद्वारा साहिब है ये, और बहुत प्यारी प्लेस है। आई थिंक आप सबको एक बार तो विज़िट करना चाहिए। और बहुत अमेजिंग बात है कि यहाँ पे 365 के 365 दिन लंगर लगता है। जी हाँ, 365 के 365 दिन लंगर लगता है, और चाय का लंगर भी लगता है, रोटी का लंगर भी लगता है। आप कभी भी आके यहाँ पे लंगर छक सकते हो। अगर आप ऐसे रिलीजियस प्लेस पे आते हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे आते हो, तो एक तो मन को वैसे भी शांति मिलती है, और जब इतनी बड़ी हिस्ट्री हो, इतनी अमेजिंग जगह हो, जब आप जलंधर की टूरिस्ट अट्रैक्शन निकालोगे, पंजाब की टूरिस्ट अट्रैक्शन निकालोगे ना, आपको गुरुद्वारा तलन साहिब जी जरूर रिकमेंडेड किया जाएगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है इसकी, और मान्यता बहुत है, बहुत मान्यता लोगों की। एयरप्लेन है जो वो यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं, ताकि लोगों का विदेश का बाहर का काम बन जाए। और जो सबसे क्यूटेस्ट और सबसे बढ़िया बात है, वो एयरप्लेन जो है वो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाद में दे दिए जाते हैं। मैंने संडे को इसलिए नहीं ब्लॉग, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। हाँ, और हर साल यहाँ पे मेला लगता है, हर साल। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 58 मेला लगा लगातार, और अब 2021 में 59th मेला लगेगा। ये साइड बैक साइड स्नान सरोवर है, मैं आपको दिखा दूं। वेट, यहाँ पे देखो भैया के पास सारे खिलौने हैं, सब सामान है बच्चों का। अगर आप कभी भी गुरुद्वारा तलन साहिब जी आ रहे हो, तो आप भैया की शॉप पे जरूर आना। और यहाँ पे हमारे आंटी जी बैठे हुए हैं। विजी, क्या क्या आपके पास, आप एक बार बताओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा निहाल सिंह, बाबा हरनाम सिंह के दरबार से जो भी अपनी श्रद्धा भावना के नाल जहाज चढ़ाते हैं, उन्होंने वीजे पक्के तौर पर लगते हैं, क्योंकि मेन मन की अरदास ज़्यादा है। जहाज तो चलो उदा ही चीज है, महानता है जी, 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 जी। भी किसी का भी वीजा, किसी का काम कोई अटकता हो, बिल्कुल वीजा लग जाता है जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो अगर आप गुरुद्वारा तलन साहिब जी आ रहे हो, भैया की शॉप पे जरूर विजिट करना, भैया बहुत स्वीट है। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी, सानू बाबा निहाल सिंह जी ते बाबा हरनाम सिंह जी बारे थोड़ी बहुत गल्लां बातां दसो। बचपन तो असीं इत्थे दे वासी हां, बाबे दे घर दे वासी हां जी। हां जी, बचपन तो असीं बाबे जी लड़ लगे हां, बाबे दी सेवा करन दी खातर। कोई सानू बाबा जी ने बहुत कुछ दित्ता, सानू बल्कि सारी संत नूं बहुत कुछ दे रहे हैं, जो आपां आसां मरादां लै के उन्हां साडियां पूरियां करदे बाबा जी जी। बिल्कुल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा निहाल सिंह जी। हाँ जी,
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਦੂਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ। यहाँ पे चाय का लंगर चल रहा है। मैं अब आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे बर्तन साफ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सारे बर्तन साफ किए जाते हैं और यहाँ पे साफ करके उसको इधर रखा जाता है और फिर ये यहाँ से वहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में जाता है और वहाँ से भक्तजनों को प्लेटें दी जाती हैं और अपना लंगर छकते हैं बैठ के। सात संगम दसोगे थे की बंद आप इस वेले चाह बंदी भी चाह कितने चाह किधर उधर बंदी भी ते बाबा ये हर रोज लंगर चलता है इस तरह ही ना। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मशहूर वंस शबाब खैर। नाले अगले एक्सप्लेन भी करते हैं बढ़िया तरीके नाल। मेहनत दा पै जावे करा दुआ।